孙悟空。आपको पता है कि लास्ट डे है आज अपनी रैंक पुश करने का, तो जिसको जिसको नहीं पता है कि भाई आज लास्ट डे है तो रैंक पुश करना शुरू कर दो, डबल रिवॉर्ड्स है और कल बैनर भी ड्रॉप हो रहा है, तो सबको पता है कि सीसी चाहिए होगी, सबको सीसी चाहिए होगी, तो रैंक पुश करना शुरू कर दो और आपको ऑलमोस्ट मिनिमम 1000 सीसी तो ले ही लो यहां से। और मैं अपना रैंक पुश करना शुरू कर दिया हूं, लाइक मुझे जैसे कि मैं हमेशा की तरह 6K करता ही करता हूं, तो 6K करूंगा और अपना 2000 सीसी लूंगा। तो किट भी रिवील हो गई होगी, आप सब सबको पता चल गया होगा कि किट क्या है ट्रंक्स और वेजिटा के। अब जिनको नहीं पता है कि किट क्या है ट्रंक्स और वेजिटा के, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो एज यूजुअल, वहाँ पर लीक्स एंड अपडेट्स में हम आपको तुरंत प्रोवाइड करवा देते हैं और जो भी चीज़ आपको किट एक्सप्लेनेशन जैसी चीज़ होगी वो भी हम आपको वहाँ बता देते हैं। बट जैसा अगर यूनिट मिलता है मुझको तो मैं उसका शोकेस और किट एक्सप्लेनेशन भी लाऊंगा ही लाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बंदे के पास 14 स्टार सब कुछ है और 14 स्टार अल्ट्रा वेजिटो एंड 14 स्टार आपका देख रहे हो कि ये वेजिटा है। वेजिटा यार तो आया और फिर चला गया, मतलब ये जो ब्लू वेजिटा की बात कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा यूनिट है, लेकिन बस इसके पास मॉडर्न किट नहीं है। मॉडर्न किट इन द सेंस कहने का मतलब है कि जो लेटेस्ट किट आजकल मिल रही यूनिट को, टाइप न्यूट्रल, टाइप कवर, चैन नलिफिकेशन, ये सब जो है ये सब अगर नहीं है तो यूनिट को मतलब ओपी नहीं माना जाता है, ब्लास्ट आर्मर नहीं है आपके पास, ये सब होना ज़रूरी हो गया आजकल, और इसी कारण मतलब आपको मेटा में बने रहना है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा डैमेज करके मैंने इसको मार दिया और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा, यहाँ मैंने ड्रॉप कर देना चाहिए था बट वो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसने मतलब कवर चेंज कर लिया। तो यहाँ पर ब्लास्ट आर्मर का सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्राइक है तो आप कर सकते हो। यहाँ मुझे आरआर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगता कि मैं स्ट्राइक से उसको मार सकता था बट पता नहीं मैंने क्या दिमाग में आया और मैंने आरआर मार दिया और यहाँ गेस कर लिया उसने। तो ये सीन है काफ़ी सही, मतलब मुझे लगा किट अगर ट्रंक्स वेजिटा जो कल आ रहे हैं उनकी बात करो तो काफ़ी बढ़िया किट है। और मुझे सबसे बड़ी जो दिक्कत उसमें ये लगी ना कि उनके पास जो इन्फ्लिक्टेड डैमेज को स्टैक करने की एबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट अप टू 350% तक वो डैमेज ना वो इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, स्टैक कर सकते हैं और बहुत कुछ है यार, मतलब 180% का वो जो ब्लास्ट आर्मर वाला सीन है और हर बार जो स्ट्राइक कार्ड करते हैं तो -5 उसकी ब्लू कार्ड हो जाती है। जैसे कि हमारी ये आप देख रहे हो क्या कहते हैं मंकीज की, अगर ब्लू कार्ड की देखो तो 35 डिफ़ॉल्ट होती है इनकी, ठीक है, इनका कार्ड यूज़ करने शायद नहीं होता है जहाँ मुझे पता है, लेकिन आई थिंक उनका कार्ड यूज़ करते करते उनको 35 से नीचे भी ला सकते हो, लाइक 30 कर सकते हो, 25 कर सकते हो, पर वो ब्लास्ट ओरिएंटेड है अगर ये भी बहुत अजीब सीन है। तो काफ़ी कुछ होने वाला है उनके किट में, अब कल देखना पड़ेगा कि वो कितने अच्छे होते हैं अपने किट के साथ और कितना जस्टिफाइड करते हैं वो। तो यहाँ पर लगता है मैं मैच जीत गया था ऑलमोस्ट, हाँ ये मैच मैं जीत जाता हूँ यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा बंदा था लेकिन ठीक है। तो एज यूजुअल भाई अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार जब वीडियो को हमारे देख रहे हो तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर इट आवर इंडियन डिविल कॉमेडी, सभी कुछ कर लो भाई। तो लेट्स जंप इनटू आवर नेक्स्ट मैच और देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैच किसके साथ हुआ है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, अब जो जो नए लोग हैं इनको शायद नहीं पता है तो मैं उनको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि भाई रेड का जो सेकेंड पार्ट आने वाला वो भी सेकेंड पार्ट आएगा ही आएगा, तो उसके लिए डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो अभी से, काफ़ी नए बंदे आ चुके हैं डिस्कॉर्ड पे, काफ़ी नए फ्रेंड्स बना चुके हैं, तो आप भी यार डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। और अपने जो समन्स होंगे ना आप फ्लैक्स करने मेरे डिस्कॉर्ड पर आ सकते हो, वहाँ पर हम लोग देखेंगे किसको कितने सीसी में, 300 सीसी मिलता है, किसको क्या करता है, तो हो सकता है मैं एक रिएक्शन वीडियो भी करूँगा, तो ज़रूर से ज़रूर आ जाना और हमारे समन एरिया में आकर उसको फ्लैक्स करना होता है आपको, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ये करना मत भूलना। तो सामने वाला भाई देख रहे हो कि भाई मंकीज बॉयज और ये आपका बीस्ट हान और 17 को रन कर रहा है, काफ़ी डेडली कॉम्बो है ये, लेकिन आई थिंक 17 से अच्छा पेन रहता तो अच्छा था, पेन का जो कॉम्बो है बहुत ज़्यादा डेडली है, बहुत एनॉइंग है पेन की रिडक्शन उसका बहुत ज़्यादा एनॉइंग है। तो कमेंट सेक्शन में एक चीज़ मुझे और बता देना आप लोग कि आपको क्या लगता है कि कैसे होने वाला है इनका, मतलब सेवन ट्रंक्स और वेजिटा का किट कैसा होने वाला है और कैसा होने वाला उनका, मतलब लाइक डैमेज कैसे हो सकता है या फिर उनका भी जो इतना ज़्यादा वो अगर डैमेज स्टैक करते हैं तो क्या लगता है आपको कि क्या मतलब उसका पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब क्या वो डिफेंसेस ख़राब कर देंगे या फिर ऑफेंस अच्छा होगा डिफेंस ख़राब होगा,
या दोनों मीट रहने वाला है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे आपकी जो व्यूज़ है ना पढ़ के अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ ये आप लोग सोचते हो इस चीज़ के बारे में। और एक चीज़ और बताना कि कमेंट में जाकर कि भाई आप रैंक में क्या रैंक पुश कर रहे हो, कितने रैंक के लिए गए हो। लाइक आप जा रहे हो 10K के लिए, 6K के लिए, तो आप गॉडली के लिए जा रहे हो या जो भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको पता है कि मैं 2 times गॉडली प्लेयर भी हूँ, तो मैं मिनिमम ज़्यादा नहीं खेलता हूँ क्योंकि काम बहुत होता है, तो लास्ट डे में 6K करके छोड़ देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना ही करके छोड़ देता हूँ, तो इतना काफ़ी है, इतना ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो उसे 20 times है नहीं, अगर 20 times होता तो एक बार मैं जाता गॉडली के लिए, बट 20 times भी नहीं है मेरे पास। तो डेट्स इट, यहाँ पर बंदा ये इसको लाता है, यहाँ पर साथ में आर आर कर देता हूँ क्या समथिंग, आज मुझे लगता है मैं यहाँ पर अल्ट के लिए जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर साथ एक ना एक मिनट उसका मर ही जाएगा, तो यहाँ पर सीधे मैं जाता हूँ अल्ट के लिए और यहाँ पर 17 dead 17 हो जाता है। तो ये काफ़ी, ये मेरा कॉम्बो अच्छा है क्योंकि मेरे से 20 times है नहीं है, तो मैं सुपर विजिटो को घसीट रहा हूँ और काफ़ी अभी तक विजिटो बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहा है, मतलब बढ़िया है। क्योंकि अब 20 times ना बूस्ट ईयर से निकल चुका है तो उतना डैमेज नहीं रह गया उसके पास, मतलब थोड़ा सा डैमेज तो कम हुआ है, अभी भी 20 ही है वो तो, लेकिन हाँ ठीक है, पहले ज़्यादा थोड़ा सा डैमेज तो कम हुआ है, ठीक है। तो ये सीन है, ये सीन है, काफ़ी बढ़िया है। तो मैं पूरी वीडियो में अपना वॉइस ओवर करूँगा नहीं, बस मैं जस्ट आपको एक छोटी सी वीडियो बताने के लिए, ये आपको छोटी सी ये बात और ये आपको अपडेट बताने के लिए मतलब ये एक वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने बताया था कि भाई आपका लास्ट डे है पीपी का, आप रैंक पुश करना शुरू कर दो। और हाँ, जो ट्रंक्स और वेजिटा की किट आई है उस चीज़ को थोड़ी सा आपको डिस्कशन करनी थी, दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। और लास्ट डे है तो ऑब्वियस मैं इसको रैंक पुश करता था इस यूनिट्स को लेकर। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, पूरी वीडियो देखो, काफ़ी इन्जॉयबल वीडियो, काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिट्स है और काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब मैसेज हुए हैं। SS4 मंकीज बॉय यार बेस्ट यार, मुझे लग रहा है कि मंकी बॉय से जो ग्रीन कार्ड है मुझे अच्छा लगा और मुझे बेटर लगे, लेकिन यार GT के साथ ना जस्टिस नहीं हो रहा है, मतलब उनको ऐसे ही यार मेटा में ला कर फिर मेटा से बाहर कर देते हैं लोग, तो मुझे नहीं लगा कि GT का जस्टिस हो रहा है। Part 3 में यार GT का ही कोई यूनिट आना चाहिए, लाइक SS4 गोजीटा आना चाहिए मुझे। अब यहाँ से तो ये लग रहा है कि GT का जस्टिस होना चाहिए, अल्ट्रा गोजीटा चाहिए यार, दोनों जस्टिस फॉर GT। तो डेट्स इट गाइस, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी आपकी क्वेरी है, बस क्वेश्चन है गेम से रिलेटेड, आप मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो, आप मेरे इंस्टाग्राम मुझको DM कर देना, मैं जैसे ही वहाँ पर फ्री होता हूँ आपके मैसेज को देखूँगा, आपका जरूर से जरूर रिप्लाई वहाँ पर दूँगा। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल। ノック。
Yeah!